लगभग हमें 1:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी, SDMA की तरफ से ये सूचना प्राप्त हुई थी और सूचना के अनुसार यहाँ पे जो काम करने वाले लोग थे और एक्सीडेंटली यहाँ पे क्रेन कोलैप्स हुई थी और ब्रिज का पार्ट भी कुछ कोलैप्स हुआ था, ये हमें प्राथमिक सूचना मिली थी। उसके अनुसार ही हमारी एक थाने में एक टीम है वो इमीजिएटली वहाँ से रश हुई यहाँ स्पॉट के लिए और इमीजिएटली 6:30 बजे के आसपास यहाँ पे पहुंची। उसके बाद हमारी दूसरी टीम जो कंजूर मार्ग में स्थित है वहाँ से भी हमारी टीम आई और यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन उन्होंने चालू किया। अभी जैसे NDRF की टीम आई, 3 विक्टिम्स को इन्होंने निकाला है, 3 बॉडीज को निकाला है और अभी सर्च एंड रेस्क्यू हमारा काम चल रहा है। स्पार्किंग कर गया था वहाँ जो हम ड्यूटी था उसका बताया कि स्पार्किंग किया, उसके हिसाब से डैमेज हुआ, सीधे नीचे आ गया, पलटी मार दिया। कितने बजे की घटना है? 11:30 बजे लगभग। आप लोग कितने बजे आए थे? हम यहाँ 11:30 बजे आ गया था, हाँ तो पलटी 11:30 बजे हम गिरा आया तो पलटी हुआ हमको मिला। जी जी, नहीं पलटी हुआ नहीं मैंने देखा, पलटी हो गया था तब मैं आया, डेड बॉडी जो था उसको साथ में निकाला। आप लोगों ने कुछ डेड बॉडी निकाले? हाँ डेड बॉडी हम लोग 7-8 निकाला था ऐसे। आप लोगों ने कितने डेड बॉडी निकाले? 8 निकाला था। किसी को रेस्क्यू किए थे? नहीं वो सब इस पार पे खत्म हो गया था, सब मर गया था टोटल। उसमें से 3 जो कूद गया था ऊपर से नीचे उसका पैर डैमेज हुआ हो गया है तीनों का।